24। छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र के लिए जा रहे 3 ट्रक धान को डोंगरगढ़ SDM अविनाश भोई ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पकड़े गए धान को छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। फिलहाल जब्त किए गए धान को थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे 3 ट्रक धान को आज फिर डोंगरगढ़ SDM अविनाश भोई ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर बोरतला में वन विभाग के चेक पोस्ट नाके में खैरागढ़ से अवैध तरीके से महाराष्ट्र जा रही धान से भरी 3 ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। बिना अवैध दस्तावेज के धान का अवैध परिवहन करते हुए मंडी, वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने स्थानीय कोटवारों के विशेष सहयोग से 3 ट्रकों से 1236 कट्टा धान जब्त किया गया। धान जब्त कर ट्रक सहित धान को सुपुर्द कर दिया गया है। विभिन्न विभागों की टीम अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग कर रही है। लगातार दबिश देने से धान कोचियाओं में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जिले भर में लगातार धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। 3 ट्रक जो अवैध धान परिवहन कर रहे थे बिना किसी दस्तावेज, वैध दस्तावेज के, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और लगातार जो है बॉर्डर पर चौकसी रखी जा रही है और जो अवैध धान परिवहन कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी नहीं। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24। महासमुंद जिले के